पिछले एपिसोड में आपने देखा कि हमारी पिकैक्स खो गई थी, तो क्या हम उस पिकैक्स को ढूंढ पाएंगे? तो वहां जाने से पहले हमारे पास कुछ होना भी तो चाहिए ना, स्टोन पिकैक्स। तो हम स्टोन पिकैक्स बना के चलते हैं। आयरन पिकैक्स तो हमारी खो चुकी थी, तो देखते हैं क्या हमारी चेस्ट में रखा है अभी तक कुछ प्लैंक्स। तो अपने चेस्ट को करते हैं ओपन। तो करते हैं अपना ओपन, तो देखा यार चेस्ट में तो हमारे सिर्फ स्टिक रखी है, तीन प्लैंक्स तो नहीं है। तो क्या करना चाहिए अब हमको? आपको पता ही है कि हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले हम धीरे धीरे जाएंगे बाहर अपनी क्राफ्टिंग टेबल को, कहते हैं अभी आ रहे हैं थोड़ी देर में, जरा कुछ लकड़ियां तो इकट्ठी कर ले। तो आज तेरी बलि देनी पड़ेगी मेरे दोस्त, तेरी जगह हम दूसरा पेड़ लगा देंगे। बड़े दुख के साथ तेरे को अलविदा कहना पड़ रहा है मेरे दोस्त। अगर हमारे पे हमारी कौन सी पिकैक्स होती, आयरन की पिकैक्स होती, तो हम तेरे को बलि नहीं चढ़ाते, हम तेरे को यहीं पर रहने देते हैं, दूसरे पेड़ को काटते हैं। तो मैंने इसके तीन चार ब्लॉक को तो तोड़ दिया था, बस ये नीचे वाला रह गया था, तो इसे भी हम देते हैं तोड़। अब डर्ट के ब्लॉक का भी कोई काम नहीं है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आप अच्छा स्पेस बन जाएगा। तो मैं ये सारे ब्लॉक कर लेता हूँ कलेक्ट। हमारी बैरीज भी ग्रो हो चुकी थी, हमें और भी कौन से ब्लॉक की जरूरत थी आप जानते हैं, वुड की। इसमें एक ब्लॉक अभी छुपा पड़ा था, तो मैंने उसे भी दिया तोड़। अब चलते हैं नीचे, अब दूसरे पेड़ की तलाश करते हैं। अब मेरे को सामने ही दिखाई दे रहा है, इसकी भी आज बलि देनी पड़ेगी मेरे भाई, तुम दोनों को आज यहाँ से जाना पड़ेगा। A few moments later, तो हमने इसे भी कर दिया साफ और आ गए थे अपने घर पर। इस पेड़ के बीज को हमने उठा लिया था। अब क्राफ्टिंग टेबल में हमें क्या करना था, आपको पता ही है, हमें इससे प्लैंक्स बनाने। प्लैंक से फिर क्या बनाएंगे, स्टिक्स। बिना स्टिक के तो हम पिकैक्स भी नहीं बना सकते। अगर पिकैक्स नहीं बनेंगे तो माइनिंग क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। तो अब टाइम था, हमें कोबल स्टोन की जरूरत है, तो हम घर के अंदर ही माइनिंग शुरू कर। A few moments later, तो हमें बहुत सारे कोबल स्टोन मिल चुके थे। तो मैंने फिर क्या करा, देख सकते हैं मैंने अपनी बुक खोली, अब बुक से सारे आइटम को देखने लगा प्यार से। हाँ भाई, प्यार से ही तो देखूंगा, और क्या करूंगा मैं। तो बनाना था अब क्या अपने लिए, स्टोन सॉर्ड से ही तो सबको मारूंगा, सारे जो अभी इसको खट 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 खट। तो भैया हमने बना ली थी अपने लिए स्टोन की सॉर्ड, और भी क्या क्या आइटम बन सकते थे। तो फटाफट इसे आगे बढ़ा बढ़ा के देखते हैं क्या क्या बन सकता है। यार यहाँ तो बहुत सारे आइटम दिख रहे हैं मुझे। तो मैंने बना लिया था अपने लिए क्या, साइन बोर्ड। के बाद हम बोर्ड भी बना सकते थे, नहीं चाहिए मुझे। फर्नेस बना लेता हूँ यार, जब वहाँ जाएंगे तो कोल मिल ही जाएगा, फर्नेस को रखना है। और सारे अपने किसको, आयरन को रख देंगे, अब अपना आयरन इंगट मिल जाएगा। तो अब लीवर भी बना लेते हैं यार, दरवाजा के बाहर ना लीवर लगा देंगे, लीवर को बार बार ऊपर नीचे करेंगे और तैयार हो जाएगा। तो चलिए लीवर लगाने, तो आ जाता हूँ मैं बाहर। तो लगा देते हैं लीवर, पहले करते हैं दरवाजे को बंद, इसके ऊपर लगाएंगे डर्ट के ब्लॉक के ऊपर, लीवर कहाँ है मेरा, ये रहा। तो टॉर्च को कर दिया ऊपर और यहाँ लगा देते हैं लीवर को, और ये खुल गया अपना लीवर से बार बार। तो पॉपी देख ले, हमारा लीवर लग चुका है। तो भैया अब चलने वाले हैं माइनिंग करने, हमारे हाथ में है तलवार, तो उसको ऐसे मारूँ, खच्चर 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 मारूँगा। तो चले दोस्तों, अपने साइन बोर्ड को पहले लगा देता हूँ, इसका नाम रखेंगे स्वीट होम। तो कहाँ लगाऊँ साइन बोर्ड, यहीं लगा देता हूँ टेपर्ड करके। तो लिख दे दोस्तों, क्या लिखूँ, स्वीट होम, प्यारा घर। बिल्कुल जी, प्यारा ही है अपना, पहला घर है और क्या। कितनी बार मरे हैं वो बात अलग है, बहुत बार मर चुके हैं। तो अपने फसल तैयार हो चुकी है, तो अपने पास बैरीज भी है यार, वहाँ भूख लगेगी तो क्या करेंगे, रात होने वाली। मैं सोचा पहले बैरीज तोड़ लेता हूँ, फिर चलते हैं सोने, सो लेंगे, दिन होगा तो ज़्यादा अच्छा बेटर रहेगा ना। तो रात में वो हम पे अटैक करेंगे एक साथ बहुत सारे झुंड बनाकर, और हम उनका कुछ नहीं उखाड़ सकते। तो मैंने सारी बैरीज कलेक्ट करने के लिए तैयार हो चुका था, और दो तीन रह रहे थे, इन्हें भी तोड़ लेते हैं यार। अब बैरिस को दोबारा लगाना भी तो पड़ेगा, तो मैं इस वीडियो को स्किप कर देता हूँ थोड़ा सा। और चांद निकल चुका था और मैंने सारी बैरिस को लगा दी थी, अब टाइम आ चुका था लीवर को नीचे खींचने का और दरवाजे को खोलने का और दरवाजे को बंद करने का। तो दरवाजा हो गया हमारा बंद, और हमारा बेड हमारा इंतजार कर रहा था कि मालिक कब आएंगे अपना बैरिस को रख के अपनी चेस्ट में। तो भैया खाने के लिए तो हमारे पास बहुत सारे आइटम हैं, तो 19 बैरिस को लेके चलते हैं, अपने साथ में चलेंगे। तो इस वुडन के पिकैक्स को रख देते हैं, बाई चांस हम मर जाए, हमारे पे एक भी साधन ना बचे, तो हम इस वुडन के पिकैक्स को लेके जा सके यहाँ से। पेड़ लगाना है यार, इसे रखना नहीं है। तो पेड़ के बीज को हमने अपने पास रख लिया है, और अपने प्यारे बेड के पास जाके सो जाते हैं। बैरीज हमारे हाथ में थी, कोई भी आएगा बैरीज नहीं देंगे, उसे खुद खाना है भाई, अपनी हेल्थ भी तो बढ़ानी है बार बार। तो भैया दिन हो चुका था, टॉर्च को कर देते हैं नमस्कार, सूरज को करना है नमस्कार, टॉर्च को नहीं। तो भैया सूरज निकल चुका है, लीवर से करते हैं बंद, स्वीट होम लिखे हुए बोर्ड को करते हैं टटा बाय बाय, पॉपी देखते रहो ध्यान से हमारे घर में कोई घुस ना जाए।
तो क्या होगा आज? क्या आज हम माइनिंग कर पाएंगे या नहीं? बैरीज तुम फटाफट ग्रो हो जाए। मैं तो, अरे भैया बिन बुलाए बरसात हो गई है, मैं फ्री में हड्डियां मिल गई हैं यार। हड्डियों से याद आया यार, हमारे एक पैट भी तो था यार, उसका नाम क्या था? नाम तो मुझे याद नहीं, आज उसका दूसरा नाम रखेंगे। तो सबसे पहले आज हम क्या, ना यार मिशन ही चेंज करता हूँ, आज माइनिंग नहीं करेंगे, आज अपने दोस्त को अपने घर पर लेके आएंगे, उसे अपना घर दिखाएंगे। पॉपी तेरे को लेके चलता हूँ मैं, क्या तो खुश हो जाए, हम उसे फूल दें तो? या गुस्सा भी हो सकता है यार, बहुत टाइम हो गया मैं उसे मिला नहीं ना, तो चलते हैं उसके पास। तो अपने सीक्रेट जगह पे तो हम आ चुके हैं जहाँ से हमें जाना होता है, कहाँ माइनिंग करने, केव के अंदर। तो उसको मैंने यहीं किसी पेड़ के नीचे बैठाया था यार, किधर है? सीप तो दिखाई दे रही है, सीप कहाँ है मेरा भाई दोस्त? किधर है मेरा पैट? तो इसका नाम क्या रखूँ मैं? सेडी भाई। और सेडी क्या हाल है तेरे, ठीक ठाक है कि नहीं? कुछ खाने को नहीं मिला तुझे? ले खाएगा, अरे खाएगा तो कुछ नहीं। ओ भाई गुस्से में आ गया क्या कि मेरे को लेने नहीं आया था? भाई ये गुस्से के मारे मेरे से दूर जा रहा है ना, ऐसा मत कर यार। चल यार देखो, अपने घर में रखूँगा इस बार, घर से बाहर लेके नहीं जाने का, अपने दोस्तों से मिलवाऊँगा भाई। चल ना, मान जाया मेरी बात यार, मान जा यार, ये तो मानने को तैयार नहीं हो रहा, मान जा यार भाई, मान जा, चल चल मेरे घर। ऐसे क्या देख रहा? अच्छा मान गया, चलो भाई इसे लेके चलते हैं अपने घर। अरे सीप इसे भी लेके चले, हमारे पास बहुत है, इसे लेके जाके कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं अपने दोस्त को अपने घर लेके आ रहा था, तो आ जा भाई सेडी, तेरा नाम आज से मैंने सेडी रख दिया, ठीक है? यहीं नहीं बैठना, घर चलना है, तो आ जा सेडी मेरे पीछे चल, सेडी सेडी सेडी। तो सेडी को लेके चलते हैं अपने घर, भाई नहीं बोलना भाई, सेडी ओनली सेडी, सेडी सीडी या सेडी एस डी सेडी। तो भैया ये वही जगह है जहाँ से हम जाते हैं केव के अंदर, मैंने आपको बताया था। क्या चलेगा माइनिंग करने या घर चलेगा? पहले से घर लेके चलते हैं, माइनिंग कहीं से कोई ज़ॉम्बीज आके से रगड़ दे और ये खामा का बिना फालतू में मारा जाए, क्योंकि अभी हमारे पास सिर्फ पहला ही पैट है जिसका नाम है सेडी। आ जा सेडी, सेडी या सीडी, सेडी एस डी सेडी एस ए डी सेट, क्या रखे यार नाम समझ नहीं आ रहा मुझे, सेडी सही है। तो सेडी भाई चल चल घर, दिखाई दे रहा है बैम्बू मुझे, मतलब घर के पास आ चुके हैं। तो सेडी हमारे पीछे पीछे आ रहा था और अपनी क्राफ्टिंग टेबल दिखाई दे रही थी। अब बैरीज लग रहा मुझे थोड़े से ग्रो हो चुके थे, देख चुके हो ग्रो हो चुके हैं, लेकिन एक भी बैरीज, अरे एक पे आ गई है भाई, अरे अपना प्यारा घर स्वीट होम। तो दरवाज़ा मैंने खोल दिया था और सेडी को अंदर आने का इजाज़त दे चुका था। आजा सेडी यहीं पे तेरा घर बनाएंगे जहाँ से हमने सारे कोबल स्टोन को हटाया था। तो यहाँ पे बहुत सारे कोबल स्टोन थे, हाँ देख ले यहीं पे रहना है तुझे अब, ये हमारी क्राफ्टिंग टेबल है, आजा तुझे चेस्ट भी दिखा देता हूँ। क्या मालिक का खजाना नहीं देखेगा तू? कितना अच्छा है यार ये तो सेडी, हमारा खजाने तक नहीं आ रहा है। आजा अंदर आजा, चल भाई तेरे मालिक का खजाना है मतलब तेरे को रहना है यहाँ पे। अच्छा अंदर देख ले, बंद कर रहा हूँ फिर दरवाज़ा, यहीं रहियो अंदर। तो दरवाजे को करते हैं बंद, लीवर को ऊपर करके सेडी का मुंह दिखाई दे रहा था, मतलब अब इसे अंदर लेके जाना पड़ेगा, कोई तो ट्रिक लगानी पड़ेगी ना भाई, अंदर आना है तुझे, वहाँ गेट पर नहीं बैठना है बिल्कुल, बिल्कुल गेट पर नहीं बैठना है, गेट के अंदर, घर के अंदर भाई, तू मालिक है, मैं तेरा मालिक हूँ, तू मालिक नहीं है। आजा अंदर जा जल्दी आ भाई, ये आ नहीं रहा था, लग रहा है इन्हें अपने दोस्तों से मिलवाना पड़ेगा। चला अपने दोस्तों से मिलवा के लाता हूँ, तेरे दोस्त मेरे भी हैं भाई, आजा फटाफट आजा दौड़ के, कहाँ रह गया? हाँ ये हुई ना बात, तो आओ मैं तुम्हें सीप से और लामा से मिलवाता हूँ, वाइट वाला लामा हमें छोड़ के भाग गया यार, अरे हमारा पीगी। तो सेडी देख यहाँ कितने सारे तेरे फ्रेंड हैं, इनकी तेरे को रखवाली करनी है, कोई भी ज़ॉम्बीज आए तो उन्हें मार देना है, क्या तू तो इनकी रक्षा कर पाएगा? देखते हैं हमारा सेडी इसे दोस्ती कर पाता है या नहीं, या इनकी रखवाली कर पाता है कि नहीं। तो अपने पास बहुत सारे क्या थे, सीप, अब इनके कपड़े उतारने का भी टाइम आ चुका था, क्योंकि इनके पास बहुत वूल था, इनके वूल कलेक्ट करने का मेरे पे बहुत अच्छा मौका था। तो सीढ़ी जल्दी बाहर आ जा, अबे जल्दी आना यार, नहीं तो वो सीप बाहर आ जाएंगे, जल्दी नहीं तो मैं घर जा रहा हूँ, अब देखता हूँ अब आ जाना चाहिए, खोले फिर इसके लिए फैंस गेट, तो आ जा। कितना अच्छा है यार ये तो, एक ही बार में समझ जाता है, तो चल तेरे को अब घर के अंदर पैक कर देता हूँ। और उसको घर में लेके हम अंदर आ गए थे, अपनी क्राफ्टिंग टेबल को देख सकते हैं, आगे कहाँ रह गया यार, कहाँ चला गया तू यार, दिखाई नहीं दे रहा, किधर गया किधर गया, वो भाग तो नहीं गया छोड़ के मुझे? ओ भाई कहाँ चला गया तू? ओ हो ये घर में चला गया था, ओ कितना अच्छा है, अच्छा अंदर आ जा, चल आ जा बेटे अंदर आ जा, चुपचाप आ जा सेडी, हाँ अब यहीं बैठ जा तू क्राफ्टिंग टेबल पास, यहाँ से कहीं मत हिलियो, कहीं मत जाइयो, क्योंकि अब हम जाएंगे माइनिंग करने, तब तक के लिए बाय बाय, और आपको इंतज़ार करने पड़ेगा इसके अगले पार्ट का, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी थी। क्या आप जानना नहीं चाहते क्या हमारा सेडी सही में सीप को बचाया था? इसको जान